और मुल्क भर से 3,000 सिविल एविएशन मुलाजमीन को फारिग करने के खिलाफ कराची में एहतजाज किया जा रहा है। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद साहब, बताइएगा मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं? जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का मुबैना मनसूबा के तहत सीए मुलाजमीन की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर में एहतजाज किया जा रहा है और मुलाजमीन का ये कहना है कि मुल्क भर के एयरपोर्ट से रिटेनरशिप मुलाजमीन को ठेकेदारी निज़ाम पर देने की मंजूरी दी गई है। 10 साल से रिटेनरशिप पर काम करने वाले सीए मुलाजमीन को ठेकेदारी निज़ाम के जरिए निकालने की साजिश के लिए इंतजामिया ने मंजूरी दे दी है, जबकि इंतजामिया मनपसंद कंपनी को ठेका देकर मुलाजमीन को अदारे से फारिग करना चाहती है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि इन मुलाजमीन रिटेनरशिप मुलाजमीन को फरागत की बजाय इनकम मुस्तकिल कर दिया जाए ताकि वो अपने अहले खाना की कफालत कर सके, जबकि इन मुलाजमीन का ये भी कहना है कि इन मुलाजमीन को अब निकालने के खिलाफ एहतजाज मुल्क भर में जारी रहेगा। जी, मुलाजमीन का सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज जारी है। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।